About qualitative research in education. First of all, let's discuss what is qualitative research. पहले तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है इसके अंदर कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डेटा है इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट वीडियो ऑडियो सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ओपिनियन और एक्सपीरियंसेस इट कैन बी यूज टूगेदर इन डेप्थ इनसाइट इनटू अ प्रॉब्लम और जनरेट न्यू आइडियाज फॉर रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च इज द अपोजिट ऑफ क्वान्टिटेटिव रिसर्च एंड इन क्वान्टिटेटिव बेसिकली collection and analysis of numerical data is purely based on statistical analysis. Qualitative research is commonly used in the humanities and social sciences in subjects such as anthropology, sociology, education, health science, history, etc. Basically, qualitative research में जो most important जो part है जिसको हम देखते हैं वो ये है collection and analysis of data जो इसको क्वांटिटेटिव से वेरी करती है इसमें नॉन न्यूमेरिकल डेटा वी आर कलेक्टिंग व्हेन टू यूज क्वालिटेटिव रिसर्च कब यूज करना चाहिए जब हमें हम इन डेप्थ इनसाइट की बात कर रहे हैं जब हम एक्यूरेट और इन डेप्थ इनसाइट हम चेक करना चाह रहे हैं और फैक्ट्स की बात कर रहे हैं फैक्चुअल फैक्चुअल बेस्ड डेटा जब कलेक्ट करते हैं तब हम क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस करते हैं नाउ क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस के जो एग्जांपल्स हैं आर एस कि हम किन पॉइंट्स में हम कह सकते हैं हाउ डज सोशल मीडिया शेप्स बॉडी इमेज इन टीनेजर्स हाउ डू चिल्ड्रंस एंड एडल्ट इंटरप्रेट हेल्दी ईटिंग्स व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय रिटेंशन इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हाउ इज एंजाइटी एक्सपीरियंस्ड अराउंड द वर्ल्ड एंड हाउ कैन टीचर्स इंटीग्रेट सोशल इश्यूज इनटू साइंस करिकुलम अब आप यहाँ पे देखोगे जितने भी ये रिसर्च क्वेश्चन है इसमें जो डेटा कलेक्शन होगा वो बेसिकली प्योर सब्जेक्टिव है फर्स्ट दूसरा फैक्ट बेस्ड है हर किसी किसी के अपने अलग अलग फैक्ट्स होंगे एंड इट इज प्योरली डीप इनसाइट यानी इन डेप्थ इनसाइट नॉलेज होगी अब क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस में जाने से पहले मैं आपको एक दो टर्म्स यूज होते हैं एक्सपेरिमेंटल बेसिकली रिसर्च में नॉट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो आपको ये क्वालिटेटिव रिसर्च में आएगा फर्स्ट इज इंडक्टिव रिसर्च एंड दूसरा है डिडक्टिव रिसर्च पहले हम बात करते हैं इंडक्टिव की इंडक्टिव का मेन जो होता है इंट्रोड्यूस करना किसी चीज को इंड्यूस करना बनाना बेसिकली तो इंडक्टिव मेथड्स या रीजनिंग हम जब कहते हैं ना आप लोगों ने टीचिंग ऑफ आप जब बीएड करते हो तो इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग अपनी पेडागॉजी में पढ़ते हैं बेसिकली मैथ्स एंड साइंस स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं तो इंडक्टिव अप्रोच में या इंडक्टिव मेथड कह लें या रीजनिंग कह लें उसका मेन एम होता है डेवलपिंग अ थ्योरी मतलब किसी चीज को इंड्यूस करना प्रोड्यूस करना ऑन द अदर हैंड डिडक्टिव में क्या होगा कि जो भी एग्जिस्टिंग थ्योरी है जो थ्योरी प्रोड्यूस हो गई है उसकी टेस्टिंग करना फाइन अब इंडक्टिव मेथड में आप देखो इसे हम बॉटम अप थ्योरी भी कहेंगे बॉटम अप क्यों कहेंगे क्योंकि ये डाउन से अप डायरेक्शन में जा रहा है पहले हमने ऑब्जर्वेशन किया फिर हमने ऑब्जर्वेशन से एक पैटर्न डेवलप किया हाइपोथेसिस इसमें मे और मे नॉट की कंडीशन है टेंटेटिव हाइपोथेसिस है एंड देन हमने थ्योरी डेवलप कर दी ऑन द कंट्रोरी हम डिडक्टिव में क्या करते हैं जो एग्जिस्टिव थ्योरी है जो बन चुकी थ्योरीज हैं उस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो पहले हमने हाइपोथेसिस बनाए उन हाइपोथेसिस को हमने ऑब्जर्व किया फिर हमने कंफर्म किया और रिजेक्शन किया जो भी हमारे हाइपोथेसिस बनी है इसका बहुत सिंपल सा लेमन एग्जांपल मैं आपको बोलूंगी जब आप टीचिंग प्रैक्टिस में जाते हैं माइक्रो टीचिंग में आप सेट इंडक्शन डेवलप करते हैं या फिर आप लेसन प्लान जब डेवलप कर रहे हैं तो जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सेट इंडक्शन में इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होते हैं फाइन वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन क्या है वो एक तरीके से इंडक्टिव अप्रोच है कि आप लोगों ने क्या किया क्वेश्चंस लिया और उससे एक जनरल प्रिंसिपल बना दिया लाइक दिस इंडक्टिव में क्या करा हमने यूजिंग पर्टिकुलर एग्जांपल्स टू रीच अ जनरल कंक्लूजन अबाउट समथिंग मीन सेट इंडक्शन किया आपने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस लिए आपने सपोज वाटर पॉल्यूशन की बात करिए तो वाटर बेस्ड आपने क्वेश्चंस बनाए और फिर एट द एंड में आपका जो चैप्टर का टाइटल होता है वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया पर्टिकुलर एग्जाम्पल से आपने जनरल कंक्लूजन बना दिया इंडक्टिव अप्रोच अगेन बॉटम अप रीजनिंग है
पास्ट एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, आइडिया फ्रॉम अथॉरिटी, इससे आपने एक जनरल कंक्लूजन बना दिया। अब डिडक्टिव में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रिंसिपल्स बन गए उन प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई करेंगे, इसलिए से हम टॉप डाउन रीजनिंग कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इंडक्टिव मेथड, बेसिकली एक एरिया है, पर्टिकुलर एरिया में एक ब्लैक, एक कैट जो है वो काली कलर की है, दूसरी कैट भी काली है और तीसरी भी काली है, तो बेसिकली हम कहते हैं कि इस एरिया में जो भी कैट्स हमें दिख रही है वो पर्टिकुलर एक ही कलर की है। या फिर हम ये बोल सकते हैं, कोई आपके पास एक बैग है, उस बैग में एक बॉल रेड है, दूसरी निकाली वो भी रेड है, तीसरी निकाली वो भी रेड है, चौथी निकाली वो भी रेड है, तो दैट मीन्स कि जब भी आप बार बार अपने बैग में हाथ डाल रहे हो तो आपको रेड कलर की ही बॉल मिल रही है। तो आपने ये कर लिया, इसका कंक्लूजन आपने बना दिया, थ्योरी इस बैग के अंदर रेड बॉल्स ही हैं। ऑन दी अदर हैंड, डिडक्टिव में हम क्या करेंगे, जो थ्योरी प्रूफ हो चुकी है, जो थ्योरी बन चुकी है, उसको हम टेस्ट करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, बैचलर वर्ड जो है वो अनमेरिड के लिए यूज होता है। कोई पर्सन एक्स है, वो अनमेरिड है, तो हम उसको बोल सकते हैं, टैग लगा सकते हैं कि वो पर्सन क्या है, बैचलर है। तो दैट मीन्स बैचलर वर्ड अनमेरिड को सिंबलाइज करता है। तो दिस इज अ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी, कोई एक बंदा, मैं उसको बोल रही हूँ कि अनमेरिड है, तो वो बैचलर हो गया। एंड सेकेंड वन इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल जो हम हर जगह पढ़ते हैं, जो लॉजिकल जो एनालिसिस होती हैं, ऑल मेन आर मोर्टल्स, पर्सन वाई इज मैन, सो देयरफॉर पर्सन वाई इज ऑल्सो मोर्टल। सो इफ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट आर ट्रू, तो कंक्लूजन भी उसका ट्रू ही होगा। दिस इज एज पर द डिडक्टिव मेथड। जल्दी से इसका एक ब्रीफ डिफरेंस देख लेते हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच का मेन पर्पस थियरी फॉर्मेशन है। डिडक्टिव में क्या होता है, एग्जिस्टिंग थ्योरी को हम प्रूव करते हैं कि वो येस है या नो है। इंडक्टिव में मे और मे नॉट की कंडीशंस होती है हाइपोथेसिस की, लेकिन डिडक्टिव में हाइपोथेसिस कंपलसरी होते हैं, उसी को बनाने के बाद ही हमारी पूरी रिसर्च होती है। इंडक्टिव इज अ लैक स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे कोई गाइडिंग फैक्टर नहीं होता। एज फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने लेसन प्लान का इंट्रोडक्शन, जब आप अपना टॉपिक डिक्लेयर करने जा रहे होते हो, तो आप कहीं से भी कोई भी एग्जाम्पल लेके अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कोई भी आप क्वेश्चन कोट कर सकते हो। पर जैसे ही आपका टॉपिक कोट हो गया, उसके बाद जो आप क्वेश्चंस पूछोगे, विच इज प्योरली बेस्ड ऑन कंटेंट, तो प्योरली बेस्ड ऑन कंटेंट जा रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, हाईली स्ट्रक्चर्ड। सैंपल साइज इंडक्टिव में स्मॉल नंबर ऑफ सैंपल्स हम ले सकते हैं, और इसमें लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स हम ले सकते हैं। इंडक्टिव में वी हैव अ टाइम, बट डिडक्टिव में जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं, कोई भी रिसर्च करने जाते हैं, तो हमारे पास एक सेट क्राइटेरियाज होते हैं, उसी टाइम फ्रेम में हमें अपना काम करना पड़ता है। तो दिस इज फॉर ऑब्वियस कि यहाँ पे टाइम की थोड़ी शॉर्टेज होती है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव। इंडक्टिव का मेन कंसर्न बिल्डिंग अ थियोरी, इसका डिडक्टिव का कंसर्न है टेस्टिंग एन एग्जिस्टिंग थियोरी। अप्रोच बोले तो इंडक्टिव बॉटम अप अप्रोच है, लोअर से अप जाती है, और डिडक्टिव जो है टॉप से डाउन आती है। साइकिल, इसका साइकिलिंग साइकिल ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव है। यहाँ पे आपको थियोरी दिख रहा है। अब थियोरी एग्जिस्टिंग थियोरी है, एग्जिस्टिंग थियोरी को हमने हाइपोथेसिस बनाया, फिर उसको ऑब्जर्व किया, एंड देन ऑब्जर्व करने के बाद हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। जब भी रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, दैट मीन्स कि यहाँ पे डिडक्टिव का एंड हो गया। बट जब कोई थ्योरी बन रही है, कुछ है, तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया इंडक्टिव प्रोसेस की, यहाँ पे बिगिनिंग हो गई। फिर अगेन हम उसके पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, और डिडक्टिव में यहाँ थ्योरी डेवलप हो गई, तो दैट मीन्स इंडक्टिव का यहाँ एंड हो गया और डिडक्टिव यहाँ पे स्टार्ट हो गया। जहाँ पे इंडक्टिव का एंड होगा वहां डिडक्टिव स्टार्ट होगी, और जहाँ डिडक्टिव का एंड होगा वहां इंडक्टिव स्टार्ट होगी। तो दिस इज कॉल्ड साइकिल। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, द फर्स्ट वन इज नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी। द रिसर्चर्स स्टडी रियल वर्ल्ड सिचुएशन। रियल वर्ल्ड सिचुएशन होता है जो कि नेचुरल वर्ल्ड में होता है, यहाँ पे कोई मैन्युपुलेशन और कोई कंट्रोल नहीं होता, नॉन कंट्रोलिंग एंड नॉन मैन्युपुलेटिंग। इमर्जेंट डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये है ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन स्ट्रेटजीज। इमर्जेंट डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होगी। द रिसर्चर अवॉइड गेटिंग लॉक्ड इनटू रिजिड डिजाइन दैट एलिमिनेट्स रिस्पॉन्सिवनेस एंड परस्यूज न्यू पाथ ऑफ डिस्कवरी एज दे इमर्जेस। क्योंकि बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च सब्जेक्टिव अप्रोच है, इसमें क्या होगा कि हर बार कुछ ना कुछ आइडियाज आपको आते रहेंगे, तो आप किसी भी एक आइडिया को लेके लॉक नहीं हो सकते हो। सपोज आपने आज कोई
ऑब्जर्वेशन करी, कल कोई और दूसरी ऑब्जर्वेशन है, तो आप पर्टिकुलर पर्टिकुलर डे के अकॉर्डिंग अपनी ऑब्जर्वेशन को फिक्स नहीं कर सकते हो, ये चेंज होती जाएगी विद द टाइम। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप होता है। पर्पसफुल सैम्पलिंग, केस ऑफ स्टडी एग्जाम्पल पीपल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटीज कल्चर इवेंट्स क्रिटिकल इंसिडेंसेस, इनको हम सिलेक्ट करेंगे बिकॉज दे आर इंफॉर्मेशन रिच एंड इल्यूमिनेटिंग एंड दैट इज दे ऑफर यूजफुल मैनिफेस्टेशन ऑफ फिनोमिनन ऑफ इंटरेस्ट। सैम्पलिंग देन इज एम्ड एट इनसाइट अबाउट द फिनोमिनन, नॉट एम्पेरिकल जनरलाइजेशन फ्रॉम सैम्पल टू पॉपुलेशन। बेसिकली हम यहाँ पे जो पर्पसफुल सैम्पलिंग इसलिए क्योंकि हमारा यहाँ पे एक पर्पस है कि हमें जनरलाइजेशन के बेसिस पे हम नहीं कर रहे, वी आर डूइंग द रिसर्च ऑन ऑन द ग्राउंड ऑफ इनसाइट ऑफ द फिनोमिना। किसको किस रिसर्च के बारे में ज्यादा नॉलेज होगी पर्टिकुलर इवेंट्स के बारे में, तो हम उस सैंपल को उस जो हमारी यूनिट होगी उसको अपने सैंपल साइज में इंक्लूड करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कलेक्शन एंड फील्ड स्ट्रेटेजी क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करेंगे। क्वालिटेटिव बेसिकली ऑब्जर्वेशन, थिक डिस्क्रिप्शन, इंक्वायरी, इन डेप्थ इंटरव्यूज, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड एंगेजमेंट, पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड इंसाइट आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंक्वायरी एंड क्रिटिकल टू अंडरस्टैंडिंग द फिनोमिना। सबके पर्सनल एक्सपीरियंसेस इसमें इन्वॉल्व होंगे। एम्पैथिक न्यूट्रलिटी एंड माइंडफुलनेस, बेसिकली इसमें एम्पैथिक अप्रोच होगी कि आप जो भी जजमेंट कर रहे हो, रिसर्चर एडॉप्ट एन एम्पैथिक स्टैंस इन इंटरव्यूइंग एंड सीक विकेरियस अंडरस्टैंडिंग विदाउट जजमेंट न्यूट्रलिटी बाय शोइंग ओपननेस सेंसिटिविटी रिस्पेक्ट अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस इन ऑब्जर्वेशन। दिस मीन्स बींग फुली प्रेजेंट माइंडफुल, मतलब आप जो किसी जब हम किसी पे रिसर्च कर रहे हैं तो हमारा जो सिंपैथिक एप्टीट्यूड नहीं होना चाहिए, हमारा एम्पैथेटिक होना चाहिए कि हमें उसको उस पोजीशन में रखना पड़ेगा, तब जाके हम उस रिसर्च को कर पाएंगे। डायनेमिक सिस्टम मींस अटेंशन इज पेड टू प्रोसेस, सिस्टम में डायनेमिक डायनेमिक होगा। रिसर्चर एज्यूम चेंज इन ऑनगोइंग, वेदर द फोकस इज ऑन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। हर इंसान हर चीजें वेरी कर रही है विद टाइम, कम्युनिटी और एंटायर कल्चर। देयरफॉर रिसर्चर माइंड रिसर्चर इज अ माइंडफुल एंड अटेंटिव टू सिस्टम एंड सिचुएशंस डायनेमिक, क्योंकि विद टाइम हर चीज में वेरिएशंस आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे डायनेमिक अप्रोच यूज होगी। ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस स्ट्रेटेजी यूनिक केस ओरिएंटेशन, इंडक्टिव एनालिसिस एज आई ऑलरेडी डिस्कस, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, हमें सिचुएशन को पार्ट वाइज ना देख के एज अ होल हमें उसमें अप्रोच करनी पड़ेगी। यहाँ पे एज अ होल इनसाइड इनसाइड थ्योरी है। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी मीन्स रिसर्चर प्लेस फाइन इन सोशल हिस्टोरिकल एंड टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट एंड इज केयरफुल अबाउट इवन ड्यूबियस ऑफ द पॉसिबिलिटी और मीनिंगफुलनेस ऑफ जनरलाइजेशन अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। एम्फसाइजेस इंस्टेड केयरफुल कंपेरेटिव केस एनालिसिस एंड एक्सट्रापोलेटिंग पैटर्न्स फॉर पॉसिबल ट्रांसफरिंग टू एंड अडेप्टिंग इन अ न्यू सेटिंग्स। वॉइस पर्सपेक्टिव एंड रिफ्लेक्सिटी, सेल्फ एनालिटिकल होना चाहिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिवनेस इन कॉन्शियसनेस। नाउ इट्स अ वेरी कॉमन विच यू हैव स्टडीड इन योर रिसर्च मेथड्स, स्टेप्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च। फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। सेकेंड स्टेप होता है कि जितने भी रिलेटेड लिटरेचर्स हैं वी शुड बी गो थ्रू विद दैम, फॉलो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, देन डिवाइसिंग हाइपोथेसिस, मेकिंग रिसर्च डिजाइन मेथडोलॉजी, सैम्पलिंग क्या होगा प्रोसीजर, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ड्राइविंग फाइंडिंग्स, कंक्लूजन एंड सजेशंस एंड रिपोर्ट राइटिंग। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड की बात करें तो हमें डेटा हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, सर्वे एंड सेकेंडरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च मीन्स कलेक्टिंग एग्जिस्टिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग एक्सेट्रा। सर्वे ओपन एंड क्वेश्चन हम क्वेश्चनर उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। फोकस ग्रुप आस्किंग क्वेश्चन एंड जनरेटिंग डिस्कशन अमंग ग्रुप ऑफ पीपल, जो पर्टिकुलर जो उस इंस्टेंस में जो आई विटनेस थे, दिस इज दैट वी कैन कॉल फोकस ग्रुप पीपल, तो हम उनको कंसिडर कर सकते हैं। इंटरव्यू ले सकते हैं पर्सनल बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका बेसिकली अभी मैंने आपको टाइप नहीं बताया बट एग्जाम्पल वहीं से आ रहा है।
To research the culture of large tech company, you decide to take ethnographic approach. You work at the company for several months and use various methods to gather data. आप उस कंपनी में काम कर रहे हो क्योंकि जिस कल्चर को, जिस एनवायरमेंट को आपको ऑब्जर्व करना है, तो आपको वहाँ का एज अ पार्टिसिपेंट बनके वहाँ पे काम करना पड़ेगा, एज अ कंटेंडर बनके काम करना पड़ेगा. देन यू विल ऑब्जर्व द रियल सिचुएशन. तो आपके माइंड में क्या, आप कौन कौन से डेटा गैदर करोगे? यू टेक फील्ड नोट विद ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ कंपनी कल्चर. अपने अपने एक्सपीरियंसेस लिखोगे और ऑब्जर्वेशन करोगे. यू डिस्ट्रीब्यूट ओपन एंड सर्वे टू एम्प्लॉय अक्रॉस ऑल द कंपनी ऑफिसेस बाय ईमेल टू फाइंड आउट इफ द कल्चर वेरीज अक्रॉस लोकेशन. सेम कंपनी की अदर जो फ्रेंचाइजीज होती है वहां पे भी ओपन एंड सर्वे करोगे, क्वेश्चनर भेजोगे और कंपेयर करोगे कि कोई वेरिएशन तो नहीं है. यू कंडक्ट इन डेप्थ इंटरव्यू विद एम्प्लॉय इन योर ऑफिस टू लर्न अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव इन ग्रेटर डिटेल. तो पहले तो आपने खुद ने ऑब्जर्व किया एक्सपीरियंसेस, दूसरा फिर आपने सेम कंपनी की अगर कोई और ब्रांच भी है उन लोगों के साथ इंटरेक्शन किया, एंड देन उसके बाद आपने इन डेप्थ इंटरव्यू किया कि जो भी सराउंडिंग में आपके आसपास में जो लोग हैं उनके एक्सपीरियंसेस को आपने गेन किया और उनको रिकॉर्ड किया. क्वालिटेटिव रिसर्च ऑफन कंसिडर देमसेल्फ इंस्ट्रूमेंट. अब हम इतनी सारी चीजें कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट है इन रिसर्च, बिकॉज जितने भी ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस हो रही है आर फिल्टर थ्रू देयर ओन पर्सनल लेंस. मतलब हम अपने अकॉर्डिंग ही सारी चीजों कर रहे हैं, हम किसी और की बातों पे नहीं जा रहे. हमें खुद ऑब्जर्व किया, खुद इंटरप्रेट कर रहे हैं, खुद ही एनालिसिस कर रहे हैं. फॉर दिस रीजन when writing up methodology of qualitative research, it is important to reflect on your approach and to thoroughly explain the choice you made in collecting and analysis the data. जब भी हम qualitative research की जो methodology explain करते हैं, तो आपने particular यही method, यही data analysis technique क्यों adopt करी? You should be write it down कि क्या reason था उसके पीछे. Qualitative data analysis जो है ये, इसके 5 स्टेप्स हैं. सबसे पहले क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस क्या होता है. क्वालिटेटिव डेटा कैन टेक द फॉर्म्स ऑफ टेक्स्ट, फोटो, वीडियोस और ऑडियो. फॉर एग्जांपल यू माइट बी वर्किंग विद इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट, सर्वे रिस्पॉन्सेस, फील्ड नोट और रिकॉर्डिंग फ्रॉम नेचुरल सेटिंग. इसके 5 जो स्टेप्स हैं, फर्स्ट वन इज प्रिपेयर एंड ऑर्गेनाइज योर डेटा. पहले चीजों को ऑर्गेनाइज कर लो, रिव्यू एंड एक्सप्लोर योर डेटा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लो, डेवलप अ डेटा कोडिंग सिस्टम, एक कोड बना लो हर एक चीज के लिए, असाइन कोड टू द डेटा, देन फिर हमने टैग करना स्टार्ट कर दिया, एंड आइडेंटिफाई रिकरिंग थीम लाइक कोड्स टुगेदर इनटू कोहेसिव एंड ओवरआर्चिंग थीम. मतलब उनके बीच में कनेक्शन सेटअप करना. अगर हम क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस पे जाएं तो इसकी अप्रोचेस, 4 अप्रोचेस हैं. द फर्स्ट वन इज कंटेंट एनालिसिस, सेकेंड इज थीमेटिक, थर्ड वन इज टेक्सुअल एंड डिस्कोर्स एनालिसिस. कंटेंट एनालिसिस का मेन जो पर्पस है वो कंटेंट को देखना है. कंटेंट, कंटेंट मींस जो भी आपके पास क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें क्या कॉमन वर्ड्स हैं, क्या फ्रेजेस, आइडिया जो रिसर्च में जा रहे हैं, कॉमन जा रहे हैं. जैसे हम अगर एग्जांपल बोलें, अब पर्टिकुलर यहाँ पे, चलो यहाँ पे मैंने थेरेपेटिक ऐप का बात करी है, लेकिन हम कोई भी सपोज कोई ऐप बना रहे हैं, एज फॉर एग्जाम्पल ये गूगल मीट्स हैं और ये जूम मीटिंग्स हैं, ये ऑनलाइन मीटिंग एप्स हैं. अब ये जो एप्स हैं, ये एप्स को हम जब इंस्टॉल करते हैं या इनको यूज करते हैं, हम इसके कंटेंट को पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, एक ऐप जो है दूसरे ऐप से कैसे वेरी कर रहा है, तो हम इसको क्यों लें. तो बेसिकली क्या क्वालिटी है, क्या इनके अंदर इनके फीचर्स हैं, तो वो आ गया कंटेंट एनालिसिस में. थीमेटिक एनालिसिस में बेसिकली हम क्वालिटेटिव डेटा के, डेटा में उसके पैटर्न्स और थीम को आइडेंटिफाई करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं. मींस यहाँ पे थीमेटिक एनालिसिस में थीम्स और पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या थीम्स और पैटर्न्स चल रहे हैं. फॉर एग्जांपल सपोज कहते हैं ना कि जब आप मतलब ट्रैवल करते हो या इधर उधर घूमते हो या चीजों को एक्सप्लोर करते हो, तो आपकी आइडेंटिटी और एनहेंस होती है. वो क्यों होती है? क्योंकि वहां पे एक थीम है, आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो, अलग अलग लोगों से मिल रहे हो, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो. तो यहाँ पे क्या हो गया कि मैक्सिमम ये देखा गया कि जो लोग आउटवर्डिंग होते हैं या फिर जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं या जो घूमना बहुत पसंद करते हैं, उनका जो जो लेवल ऑफ जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बेटर पोजीशन में होता है एज कम्पेयर टू अदर जो ज्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं. टेक्सुअल एनालिसिस में हम बेसिकली बात करेंगे टेक्सुअल, उसके स्ट्रक्चर की. मतलब हम देखेंगे कि कंटेंट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और डिजाइन ऑफ द टेस्ट क्या है. एज फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर कोई मीडिया, मीडिया रिसर्चर जो है,
एग्जाम्पल है, कुड यूज टेक्सचुअल एनालिसिस टू अंडरस्टैंड हाउ न्यूज कवरेज ऑफ सेलिब्रिटी हैज चेंज इन द पास्ट डिकेड। मीन सपोज कोई एक सेलिब्रिटी है, कोई भी है, किसी का भी ले लोगे एग्जाम्पल, तो उसके पास में अगर उसका अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, तो अब उसकी अच्छी इमेज बनाने के लिए किस तरीके से, कौन कौन से कंटेंट, कौन सा स्ट्रक्चर, कौन से डिजाइनिंग करें, ऐसे क्या हम एलिमेंट्स का कंपोनेंट्स और मिक्सचर बनाए कि उसकी जो पोजिशन है प्रेजेंटेशन वो इम्प्रूव हो जाए। डिस्कोर्स एनालिसिस बेसिकली यहाँ पे डिस्कोर्स में कम्युनिकेशन की बात होती है, तो किस तरीके से टू स्टडी कम्युनिकेशन एंड हाउ लैंग्वेज इज यूज टू अचीव इफेक्ट इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। मीन्स यहाँ पे हम कन्विंसिंग की हम बात करते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत इजीली अपने काम करवा लेते हैं या कन्विंस करवा लेते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट कुड यूज डिस्कोर्स एनालिसिस टू स्टडी हाउ पॉलिटिशियंस जनरेट ट्रस्ट इन इलेक्शन कैंपेन। मीन्स किस तरीके से ट्रस्ट गेन किया जाए, क्या ऐसे वर्ड्स बोले जाएं, क्या ऐसे वर्ड्स लिखे जाएं हमारे रिसर्च में कि वो उस चीज को और इफेक्टिव बनाएं। तो दिस इज कम्स अंडर द डिस्कोर्स एनालिसिस। फाइव मेजर अप्रोचेस टू क्वालिटेटिव रिसर्च जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, फर्स्ट इज द फिनोमोलॉजी, इथनोग्राफी, ग्राउंडेड थियरी, केस स्टडी एंड नैरेटिव इंक्वायरी। लेट्स स्टार्ट विद द फिनोमोलॉजी रिसर्च। इसमें फाउंडेशनल क्वेश्चन, जो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है, इज अबाउट व्हाट इज द मीनिंग, स्ट्रक्चर, एसेंस ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ पर्टिकुलर एक्स फिनोमिना बाय द इंडिविजुअल और बाय मेनी इंडिविजुअल। फिनोमिनोलॉजी बाय नेम ही समझ में आ रहा है, फिनोमिना, यहाँ पे हम फिनोमिना डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसका पर्पस क्या होता है, टू डिस्क्राइब वन और मोर इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस ऑफ फिनोमिना, फिनोमिना को वो डिस्क्राइब करना। साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी मैक्सिमम सभी बच्चों ने पढ़ी है, उसमें जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, डिफेंस मैकेनिज्म इज प्योरली बेस्ड ऑन फिनोमिना, क्योंकि जैसे जैसे सिचुएशन आती है, हर किसी का जो एक्शन है वो अलग अलग होता है। तो हर कोई कोई रैशनलाइजेशन की बात करता है, रिग्रेशन, रिप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये जो भी चीजें हम डिफेंस मैकेनिज्म में बात कर रहे होते हैं, इस प्योरली बेस्ड ऑन फिनोमिना की जो जिसको जैसे ही समझ में आता है वो उस फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है। एज फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई बच्चा एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, अब वो बोल रहा है कि मैं ही चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, सारे लोग चीटिंग कर रहे हैं, तो उसने अपने आप को जस्टिफाई कर दिया कि सब लोग कर रहे थे इसलिए मैंने भी कर लिया। तो हर किसी का अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए। फिनोमिनोलॉजी रेफर्स टू डिस्क्रिप्शन ऑफ वन और मोर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड एक्सपीरियंसेस। सी, कॉन्शियसनेस एंड एक्सपीरियंसेस की बात हो रही है, ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोमिना सच एज वेइंग वन सेल्फ एज अ टीचर, एक्ट ऑफ टीचिंग और एक्सपीरियंसिंग ऑफ विनिंग अ सोशल गेम। बींग एज अ टीचर, हर किसी के अपने अपने गोल होते हैं, पर्सपेक्टिव होता है कि वाई दे ऑप्ट अ टीचिंग प्रोफेशन। तो हर कोई अपने अपने एक्सपीरियंसेस बोलता है, कोई पैशन बोलता है, कोई कहता है कि टीचिंग अच्छा लगता है, बाय ब्लड है, एक्स वाई जेड रीजन। तो वो सब एक्स वाई जेड जो रीजन है वो सबकी सिचुएशन है, सबके एक्सपीरियंसेस है। द पर्पस ऑफ फिनोमोलॉजिकल रिसर्च इज टू ऑब्टेन अ व्यू इनटू योर रिसर्च पार्टिसिपेंट्स लाइफ वर्ल्ड एंड टू अंडरस्टैंड देयर पर्सनल मीनिंग, वॉट समथिंग मीन्स टू देम कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम देयर लाइफ स्पेस। फिनोमिनोलॉजी जो ये टर्म है, इसका जो ओरिजिन हुआ है वो फिलोसफी से हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंसेस की बात हुई है, तो एक्सपीरियंसेस के बाद अपना जो लाइफ स्ट्रक्चर होता है या लाइफ स्पेस होता है, उसमें जो भी इवेंट चल रहे होते हैं उनको हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ फिनोमिनोलॉजी, फर्स्ट इज एसेंस एंड द सेकेंड वन इज इंटरप्रेटिव फिनोमिनोलॉजिकल एनालिसिस। लेट्स स्टार्ट विद द एसेंस। एसेंस मीन्स कोई चीज का फील होना। सपोज हम कहते हैं ना कि एसेंस ऑफ लाइफ क्या होती है, हम माइंडफुलनेस की बात करते हैं, हम लोग पॉजिटिव अप्रोच की बात करते हैं, हम पॉजिटिव साइकोलॉजी बोलते हैं, हम कहते हैं हैप्पीनेस इज एसेंस ऑफ लाइफ, लाइफ का एसेंस होना चाहिए। तो फिनोमिनोलॉजिस्ट जो बेसिकली है वो एसेंस पे बात करता है। फिनोमिनोलॉजिस्ट जनरली एज्यूम्स दैट देयर इज अ कॉमनैलिटी इन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड दे सीक टू अंडरस्टैंड दिस कॉमनैलिटी। एसेंस में हम बात करें कि क्या कॉमन एक्सपीरियंसेस सभी शेयर कर रहे हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, सपोज किसी के घर में शादी है, तब शादी होती है तो सपोज कोई आपके नेबर में शादी है तो वहां का एनवायरमेंट, और कहीं और में शादी होगी तो वहां का एनवायरमेंट, मीन्स वहां पे कॉमनैलिटी क्या होगी कि सभी लोग खुश हैं, वहां पे शॉपिंग हो रही है, न्यू रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं फैमिली के बीच में। तो दिस इज कॉल्ड एसेंस, की कॉमनैलिटी क्या है उनके बीच में जो सेम है नियर बाय एक फैमिली से दूसरी फैमिली में। नेक्स्ट है इंटरप्रेटिव फिनोमोलॉजिकल एनालिसिस। बेसिकली ये देखता है कितने वेरिएशंस हैं बिटवीन द फिनोमिना।
लाइक न्यू टाइप ऑफ फिनोमोलॉजी मोर फोकस ऑन सिचुएशन इंटरप्रेटेड एंड पर्टिकुलरली लिव्ड एक्सपीरियंसेस देन ऑन ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंसेस एक्सपीरियंसेस दैट कट अक्रॉस ऑल पीपल यूनिवर्सली. आईपीए इंटरप्रेटिव फिनोमोलॉजिकल एनालिसिस इज इंटरेस्टेड इन हाउ पर्टिकुलर पीपल इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट मेकिंग मीनिंग एंड इंटरप्रेटिंग देयर एक्सपीरियंस. डिफरेंट पीपल्स माइट एक्सपीरियंस फिनोमिना डिफरेंटली. मीन्स सपोज अगर कोई जैसे कहते हैं ना कि कोई बॉस चेंज हुआ है कंपनी में या कोई प्रिंसिपल या आपके डीन चेंज हो गए, तो एक ने कहा अच्छा हुआ चेंज हो गए स्ट्रिक्ट थे, दूसरा कह रहा है नहीं यार सही थे डिसिप्लिन था हर चीज टाइम से होती है. तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक ही जो फिनोमिना हुआ है कि उनका डीन चेंज हो गया या प्रिंसिपल चेंज हो गया, पर उस पे दो लोगों के अलग अलग परसेप्शन आ गए, व्यूज आ गए, ओपिनियन आ गए. तो दिस इज कॉल्ड वेरिएशन. कितना वेरी कर रहा है फिनोमिना इन बिटवीन द पीपल्स. इसके प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स में बेसिकली हम इन डेप्थ इंटरव्यूज हम इसमें फाइंड आउट करेंगे, और डेटा एनालिसिस अप्रोच में लिस्ट सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट, डिटरमाइन मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द एसेंस ऑफ फिनोमिना. नैरेटिव रिपोर्ट्स, रिपोर्ट राइटिंग में क्या होगा रिच डिस्क्रिप्शन ऑफ एसेंशियल एंड इनवेरिएंट स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सपीरियंसेस. बेसिकली इसमें इन डेप्थ एनालिसिस है, इंटरव्यू से हम कलेक्शन करेंगे, इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशन. ऑब्वियसली क्योंकि जब आप इंटरव्यू कर रहे हो तो ऑब्जर्वेशन कहीं ना कहीं आपका अनकॉन्शियस वे में रहता ही है. और रिपोर्ट राइटिंग में आपका इसमें जो एसेंस की बात की, कितना एसेंस है और कितना आईपीए इंटरप्रेटिव है वेरिएशन, उसको भी डिस्कस करेंगे. नाउ नेक्स्ट कम टू द सेकंड पार्ट इज इथनोग्राफी. इथनोग्राफी इज अ फाउंडेशन क्वेश्चन. बेसिकली इथनोग्राफी में हम कल्चर की बात करते हैं कि व्हाट आर द कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल. रिसर्च पर्पज इसका क्या होता है, टू डिस्क्राइब कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल एंड टू डिस्क्राइब कल्चर सीन. मीनिंग इसकी अगर मीनिंग की बात करें, इथनोग्राफिक इज एन अप्रोच टू क्वालिटेटिव रिसर्च दैट इज ओरिजिनेटेड इन द डिसिप्लिन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी अराउंड द 20th सेंचुरी. एंथ्रोपोलॉजी से आया है. इथनोग्राफी लिटरली मीन्स राइटिंग अबाउट पीपल्स. इथनोस मीन्स पीपल, रेस, कल्चर, ग्रुप्स. एंड ग्राफिया मीन्स राइटिंग, मीन्स की राइटिंग अबाउट द पीपल्स, लोगों के बारे में लिखना, उनके कल्चर के बारे में लिखना. बेसिकली अ फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च फोकस ऑन डिस्कवरिंग एंड डिस्क्राइबिंग द कल्चर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल. हर कल्चर एक दूसरे से वेरी करता है, तो उन कल्चर्स को डिस्कवर करना और उनको डिस्क्राइब करना इथनोग्राफी के पार्ट में आता है. कल्चर बेसिकली क्या होता है, कल्चर होता है कोई भी सिस्टम जहाँ पे हम सेम बिलीफ, वैल्यू, प्रैक्टिसेस को शेयर कर रहे हैं. पर्सपेक्टिव, फोक नॉलेज, लैंग्वेज, नॉर्म्स, रिचुअल्स एंड मटीरियल ऑब्जेक्ट्स एंड आर्टिफैक्ट दैट मेंबर ऑफ ग्रुप्स यूज इन अंडरस्टैंडिंग देयर वर्ल्ड इन द रिलेटिंग टू अदर. डिफरेंसेस क्या है मेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड एजुकेशनल इथनोग्राफर्स में. एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है यूजुअली डिस्क्राइब स्मॉल कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड स्पेशली इन लेस डेवलप्ड नेशंस. बट जो एजुकेशनल इथनोग्राफर्स होते हैं दे यूजुअली स्टडी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल और अदर कल्चर सीन एज दे रिलेट टू एजुकेशनल इश्यूज. ये कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करते हैं और उसको रिलेट करते हैं फिर एजुकेशनल इश्यूज के साथ में. टाइप्स ऑफ इथनोग्राफिक रिसर्च, इथनोलॉजी एंड सेकेंड इज अ इथनो हिस्ट्री एंड ऑटो इथनोग्राफी. इथनोलॉजी एंड इथनोलॉजी इज अ कंपेरेटिव स्टडी ऑफ कल्चर ग्रुप्स. इट इन्वॉल्व्स कंडक्टिंग और कंपेयरिंग सीरीज ऑफ सेपरेट इथनोग्राफिक स्टडी ऑफ सेम और डिफरेंट कल्चर ग्रुप टू अनकवर जनरल पैटर्न्स एंड रूल्स ऑफ सोशल बिहेवियर. एज फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इथनोलॉजी माइट इन्वॉल्व द कंपेरिजन ऑफ फैमिली प्रैक्टिस और एजुकेशनल प्रैक्टिस इन सेवरल डिफरेंट कल्चर. हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फैमिली और पेरेंटिंग प्रैक्टिस है अलग अलग कल्चर में कैसे कैसे होती है. तो यहाँ पे जो इथनोलॉजिस्ट है क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिसिमिलैरिटीज हैं, उन सब चीजों को फाइंड आउट करेगा. एज फॉर एग्जाम्पल, द सोशोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव फाउंड दैट ऑल सोसाइटी हैव सम फॉर्म ऑफ फैमिली इंस्टीट्यूशंस. कैसे, हाउएवर द एक्सटेंड फैमिली पैटर्न इन विच पेरेंट्स टीच चिल्ड्रंस एंड अदर थिंग्स सच एज ग्रैंड पेरेंट्स एंड आंट्स एंड अंकल इंटरेक्ट अ ग्रेट डील इज मोर कॉमन इन ट्रेडिशनल एग्रीगेरियन सोसाइटी. नेक्स्ट इज द न्यूक्लियर फैमिली पैटर्न इन विच वन और टू पैटर्न्स एंड देयर पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस इंटरेक्ट द मोस्ट इज मोर कॉमन इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी. So, because there's a greater interest in general pattern, what many people have common in ethnology than in particular pattern, the unique characteristics of each group.
दिस फॉर्म ऑफ रिसर्च टेंड टू हैव ग्रेटर एक्सटर्नल वैलिडिटी देन अ सिंगल इथनोग्राफी. मीन्स यहाँ पे क्या कॉमन चीजें सर्वाइव कर रही है इन बिटवीन द ग्रुप. जैसे यहाँ पे पेरेंटिंग का देखा था कि किसी में ज्यादा मेंबर्स है बट किसी में कम मेंबर है, बट स्टिल मेंबर्स के जो नंबर्स हैं वो है. तो यहाँ पे ये कॉमनैलिटी हो गई इथनोलॉजी में. नेक्स्ट इज इथनो हिस्ट्री. बेसिकली इथनो हिस्ट्री हिस्ट्री टर्म इज पास्ट नॉलेज, जो पास्ट की हम बात कर रहे हैं. तो इथनो हिस्ट्री विच इज द स्टडी ऑफ कल्चर पास्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर पीपल, कि इसका इस पर्टिकुलर कल्चर का पास्ट क्या था, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ, किस तरीके से डेवलप हुआ, उसको स्टडी करना. एंड इथनो हिस्ट्री इज ऑफन डन ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ इथनोग्राफी टू अनकवर द ग्रुप मेंबर्स कल्चर रूट्स एंड टू स्टडी हाउ द ग्रुप हैज चेंज्ड ओवर टाइम. मीन्स ये फर्स्ट स्टेप होता है कि पहले उसकी स्टडी करते हैं हिस्ट्री को, कैसे कैसे उसमें डेवलपमेंट हुआ हुआ कैसे कैसे चेंजेस आए, उन सब चीजों को स्टडी करना, इसको हम इतनो हिस्ट्री करेंगे. द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स द रिसर्चर विद डीपर सेंस ऑफ पीपल बीइंग स्टडीड. द रिसर्चर रिलाइज ऑन डेटा सच एज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ओरल हिस्ट्रीज, जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर. इसमें ऑलरेडी जो डेटा हमारे पास होता है या तो जो पुराने लोग हैं उनसे डेटा मिल जाता है, अदरवाइज हम सेकेंडरी डेटा पे ही हमें रिलाई करना पड़ता है, क्योंकि इसमें हम हिस्टोरिकल की बात करें, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं. तो अगर उस टाइम के एविडेंसेस हैं, उस टाइम के लोग अगर होते हैं जिन्होंने इन सब चीजों को होते हुए देखा है चेंजेस को, तब तो उनका वो हम एज अ फर्स्ट प्राइमरी डेटा में काउंट होते हैं, अदरवाइज यहाँ पे हम सेकेंडरी डेटा पे रिलाई करते हैं. नेक्स्ट आ गया ऑटो इथनोग्राफी. लाइक ऑटोबायोग्राफी, ये भी इसमें क्या होगा, ये एक ऑटोबायोग्राफी है विच इज रिटन बाय द क्वालिटेटिव रिसर्चर, जिसका मेन फोकस होता है सेल्फ एग्जामिनेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड पर्पोसिव इंक्लूजन ऑफ एक्सटेंसिव कल्चर एंड कंटेक्चुअल डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल ऑफ वंस लाइफ. बेसिकली इसमें जब पार्टिसिपेंट जाके वहाँ पे ऑब्जर्व करता है, सारी चीजों को एग्जामिन करता है, उसके बाद जो वो चीजें लिख रहा है उस जो ऑटोबायोग्राफी, वो भी सेल्फ एग्जामिनेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड पर्पसफुल इंक्लूजन के बाद, सब चीजें बिल्कुल इन डेप्थ स्टडी करने के बाद जब वो चीजें को लिख रहा है, किसी के कल्चर को बता रहा है, तो उसको ऑटो इथनोग्राफी में हम कंसीडर करेंगे. डिसिप्लिनरी ऑरिजिन एंथ्रोपोलॉजी से आया है ये. प्राइमरी डेटा कलेक्शन बेसिकली इसमें ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू एंड डेटा एनालिसिस, होलिस्टिक डिस्क्रिप्शन की बात की गई है एंड रिच डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटेक्स्ट एंड कल्चरल थीम्स comes in the report focus. Now come to the grounded theory. We have discussed phenomenology research and the ethnography. Now next important part is the grounded theory. Grounded theory basically जो बाकी जो theories थी वो तो theories थी, लेकिन grounded theory का एक important जो मेन जो हाईलाइट है वो ये है, ये निकलती है डेटा एनालिसिस से. जब हम डेटा एनालाइज करते हैं तो उस टाइम पे जो थ्योरी डेवलप होती है उसको हम ग्राउंडेड थ्योरी कहते हैं. फाउंडेशन क्वेश्चन इसका आएगा, व्हाट थ्योरी और एक्सप्लेनेशन इमर्जेस फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ डेटा कलेक्टेड अबाउट द पर्टिकुलर एक्स फिनोमिना. मींस ये थ्योरी पहले से इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता, पर जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं उन डेटा कलेक्शन से भी कुछ ना कुछ एक नया ट्विस्ट आ जाता है, एक नई डायरेक्शन मिल जाती है. जब ऐसा कोई न्यू ट्विस्ट और डायरेक्शन मिलती है तो उस थ्योरी को नाम दिया जाता है ग्राउंडेड थ्योरी. ये प्री प्लान नहीं होती. जैसे फिनोमिलॉजी में, इथनोग्राफी में हम हर चीज को पहले से प्री प्लान करके किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं होता. ये डेटा कलेक्शन से स्टार्ट होता है और डेटा कलेक्शन के अंदर ही इम्बाइब्ड होकर हमें एक न्यू डायरेक्शन मिल जाती है, जिसे हम ग्राउंडेड थ्योरी का नाम देंगे. व्हाट थ्योरी और एक्सप्लेनेशन इमर्जेस फ्रॉम एनालिसिस ऑफ डेटा कलेक्टेड अबाउट एक्स फिनोमिनन. इसका पर्पस बेसिकली क्या है, टू डिडक्टिवली जनरेट. तभी मैंने आपको इंडक्टिव डिडक्टिव का मीनिंग बताया था. इंडक्टिव यहाँ पे क्या हो गया, बॉटम टू टॉप, मीन्स ऑब्जर्वेशन से हम थ्योरी बिल्डिंग पे जाएंगे. टू इंडक्टिवली जनरेट अ ग्राउंड थ्योरी डिस्क्राइबिंग एंड एक्सप्लेनिंग अ फिनोमिना, मीन्स हम ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करेंगे एंड देन फिर थ्योरी बनेगी. ग्राउंडेड थ्योरी इज जनरल मेथडोलॉजी फॉर डेवलपिंग थ्योरी दैट इज ग्राउंडेड इन डेटा सिस्टमेटिकली गैदर एंड एनालाइज. ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड का मीनिंग क्या हो गया, डेटा के अंदर ही ये थ्योरी डेवलप्ड होती है. ग्राउंडेड थ्योरी इन्वॉल्व द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा. The theory is grounded in actual data, which means that analysis and development of theory happens after you collected the data. It was introduced by Glasser and Strauss in 1967 to legitimate qualitative research. Means iska jo development hai wo hoga jab aap data collection kar loge uske baad. It is important to understand that grounded theory is not generated a priori. Matlab pehle nahi hoti. Rather, a grounded theory is based on the concept that are generated directly from the data and that are collected in one or more research studies.
Theories is inductive drive. You can think of inductive analysis as getting into your data during data collection and analysis, living there or hanging out there for a while, and developing an understanding of phenomena based on data. Example की अगर हम इस पे बात करें कि suppose if someone outside of education want to learn about teaching, this person could go to a real classroom, observe a teacher for several weeks, and then draw some tentative data-based conclusion about teaching. Inductions basically यहाँ पे bottom to up होगा. Original data collection will start from the data and then make you generalize after looking at your data. चार characteristics हैं. सबसे पहले fit, data fit होना चाहिए, appropriate understanding होना चाहिए, generality मतलब जिसकी generalization हो सके, और control environment में होना चाहिए. सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें ग्राउंडेड थ्योरी में याद रखनी है कि द थ्योरी बी ग्राउंडेड इन द डेटा, मतलब डेटा के अंदर ही थ्योरी ये होती है, इसका ओरिजिन होता है, बाहर से हम इसको प्रायरली फिक्स नहीं करते. डिसिप्लिनरी सोशियोलॉजी से आती है. 20-30 इंटरव्यूज हम इसमें कंडक्ट कर सकते हैं एंड ऑब्जर्वेशन, वी कीप ऑन फोकसिंग ऑन ऑब्जर्वेशन. डेटा कलेक्शन मेथड्स में ये कांस्टेंट कंपैरेटिव मेथड है क्योंकि हम इसमें कांस्टेंटली कंपेयर कर रहे होते हैं जो भी हमारा डेटा प्रोसेस है, लाइक रिसर्चर कह लें, डेटा कह लें, कैटेगरी कर लें. यहाँ पे थियोरटिकल सेंसिटिविटी भी इन्वॉल्व होती है रिसर्चर के पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे जो थिंकिंग है, बिकॉज ऑफ एक्टिव रोल ऑफ रिसर्चर इन दिस प्रोसेस, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट रिसर्चर हैव थियोरटिकल सेंसिटिविटी, थिंक इफेक्टिवली अबाउट what kind of data need to be collected and what aspect of already collected data are most important for grounded research. Grounded research का जब हम data analysis करते हैं तब तीन part आते हैं, open coding, excel coding and selective coding. Open coding क्या होती है कि basically हमारे पास transcript होता है, उसको divide कर देते हैं parts में और फिर उन अलग अलग parts के हम coding बना लेंगे. Excel coding में क्या होगा, जो भी codes हमारे होंगे उन सबको club करके एक कैटेगरी डेवलप कर लेंगे, उसको बोलते हैं एक्सेल कोडिंग. सिलेक्टिव कोडिंग में क्या होगा कि हम बॉटम से गए, हमने पहले कोड बनाए, फिर कोड को कैटेगरी में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद हमने उसमें कोर कैटेगरी में बना दिया, तो वो क्या हो गया, सिलेक्टिव कोडिंग हो गया. इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. सबने पर्सनैलिटी में पर्सनैलिटी थ्योरीज पढ़ी हुई हैं, तो एक थ्योरी होती है टाइप कम ट्रेट थ्योरी, आइजेंग की थ्योरी होती है. अब हम ले लेते हैं स्टार्टिंग से ओपन कोडिंग. ओपन कोडिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्ट को डिवाइड कर देते हैं और अलग अलग कोडिंग बनाते हैं. सपोज अगर मैं बात करूं कोई पर्टिकुलर बंदा शर्मिला है, फाइन, तो आपका कोई फ्रेंड है वो बहुत शाय करती है, वो एक हो गया. कोई और फ्रेंड है वो बहुत हेजिटेट करती है, बात नहीं करती है. तो इस तरीके से हमने क्या करा, अलग अलग हमने कोडिंग बना ली कि जो शर्मा रहा है, जो बात नहीं कर रहा है, एक्सप्रेसिव नहीं है, ये हमने कोड बना लिया अलग अलग लोगों के लिए. फिर अलग अलग लोगों के लिए कोड बना के फिर हमने उसको एक कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया कि ये एक कैटेगरी है कि इस तरीके का जो बंदा है इसमें ये क्वालिटीज आती हैं. अब वो जो क्वालिटीज आ गई फिर उसको हमने मोटे मोटे तौर पे एक ब्रॉडर लेवल पे एक नाम दे दिया कि इंट्रोवर्जन, कि वो बंदा क्या हो गया, इंट्रोवर्जन. मींस इंट्रोवर्जन के अंदर कोर कैटेगरी सिलेक्टिव कोडिंग के अंदर ही हमारा जो है एक्सेल कोडिंग आएगा एंड देन ओपन कोडिंग. नाउ कम टू द केस स्टडी. केस स्टडी बेसिकली ये वेरी वेरी कॉमन केस स्टडी मेथड जो हम यूजुअली करते हैं कि इनडेप्थ स्टडी ऑफ एनीवन, कि किसी भी चीज की हम इनडेप्थ स्टडी कर सकते हैं, इधर इट्स अ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीपल्स पीपल टुगेदर, जो हम ग्रुप स्टडी की बात करते हैं. तो बेसिकली केस स्टडी इज अ इट्स फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग अ डिटेल अकाउंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डायनेमिक प्रेजेंट इन वन और मोर केसेस. तीन टाइप की होती है, इंट्रिंसिक केस स्टडी जिसमें हम पर्टिकुलर पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी जिसमें हम स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट हायर लेवल पे हम जाते हैं, एंड कलेक्टिव इज काइंड ऑफ ए ग्रुप स्टडी. डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है, ये जो इसका जो ओरिजिन है ये मल्टी डिसिप्लिनरी रूट्स है क्योंकि केस स्टडी हर जगह यूज होती है. प्राइमरी कलेक्शन मेथड्स, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंटेशन, डेटा एनालिसिस में ऑब्वियसली जितना भी हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च एनालिसिस है उसमें होलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ही चल रहा है. एंड नेरेटिव में रिच डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्टेंट एंड ऑपरेशन ऑफ केस, डिस्कशन ऑफ थीम्स, इश्यूज एंड इम्प्लीकेशन. Come to the last approach is narrative inquiry. Narrative inquiry basically by name is narrative means narration karna, storytelling. This is playway method hota hai, aise storytelling method bhi hota hai ki ye aapke languages mein use hota hai ki kahaniyan kis tarike se batayi jaye. Jaise hamari dadi nani ki kahaniyan hoti thi ki ye us time pe aisa hota tha, is time pe aisa hota tha,
ये चीज मत करो, इसका रीजन है ऐसे। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि बिल्ली रास्ता काट जाती तो नहीं जाना चाहिए, बट उसके पीछे का जो रीजन है वो आज तक मतलब नहीं समझ में आता क्यों है, बट स्टिल कहीं ना कहीं बीइंग एज अ इंडियन हमारे माइंड में कहीं ना कहीं अगर बिल्ली रास्ता काटती है, काली बिल्ली, तो एक सेकंड के लिए वो थॉट माइंड में आता है। अब वो अलग चीज है, कोई इसको मानता है, ओबे करता है, कोई नहीं मानता। तो नैरेटिव इंक्वायरी में बेसिकली इज अ काइंड ऑफ अ स्टोरी टेलिंग, कि हम किस तरीके से स्टोरी रिसाइट कर सकते हैं, बता सकते हैं किसी भी चीज को। तो नैरेटिव इंक्वायरी स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस, नैरेटिव इंक्वायरी स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस व्हेन एक्सपीरियंस इज अंडरस्टूड एज लाइफ और टोल्ड स्टोरी। इट इज कोलैबोरेशन बिटवीन रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट ओवर टाइम इन प्लेस और सीरीज ऑफ प्लेस एंड इन सोशल इंट्रैक्शन विद देयर सोशल मिलिए। तीन टर्म्स इसमें यूज होती है, लिविंग एंड टेलिंग स्टोरी। इन नैरेटिव इंक्वायरी पीपल आर सीन टू लिव आउट स्टोरी इन देयर एक्सपीरियंसेस एंड टेल स्टोरी ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस टू अदर, मतलब जिसने उस पार्टिसिपेट किया है और फिर दूसरे को बता रहे हैं। रीटेलिंग, व्हेन रिसर्चर इंक्वायर इनटू स्टोरी दे मूव बियॉन्ड रिगार्डिंग अ स्टोरी एज अ फिक्स्ड एंटिटी एंड बिगिन टू रीटेल स्टोरी। और दूसरा, रीटेलिंग स्टोरी में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग स्टोरी है उसके बियॉन्ड जाके भी हम खुद को फाइंड आउट करें। एंड रीलिविंग स्टोरी मीन्स यहाँ पे रिसर्चर और जो पार्टिसिपेंट है वो दोनों एक साइड में होते हैं एंड देन दे रिलीव देयर स्टोरीज। बेसिकली इसका जो ये स्टोरीज टेलिंग की बात हो रही है, तो स्टोरी टेलिंग हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फिनोमिना है उसके बारे में बात करेंगे, तो इसलिए इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है। प्राइमरी डेटा इसमें बेसिकली अगेन ऑब्जर्वेशन, कन्वर्सेशन है इन बिटवीन द पीपल्स। डेटा एनालिसिस ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आपको इंटरव्यू करना पड़ता है, हर लोगों के पास जाके सारी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है। नैरेटिव रिपोर्ट फोकस बेसिकली शोइंग पार्टिसिपेंट इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स स्टोरी ओवर टाइम, रिलेशनशिप एंड प्लेस। मोर ओवर द क्रक्स ऑफ द नैरेटिव इंक्वायरी इज बेसिकली इट्स अ बेस्ड ऑन द स्टोरी टेलिंग, कि हर इंसान की अपनी अपनी स्टोरीज होती है पर्टिकुलर इवेंट्स को लेके, तो हमें उन सारी स्टोरीज के बीच में भी एक इंटरकनेक्शन देखना पड़ेगा कि कितनी स्टोरी रिलायबल है, कितनी वैलिड है, कितना ये सही जा रही है, कितना कुछ लोग फेक नॉलेज दे देते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च? फर्स्ट वन इज अ फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेकेंड इज नेचुरल सेटिंग्स में होता है, कोई कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा मतलब मैनिपुलेशन और अनकंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं चाहिए होता। मीनिंगफुल इंसाइट, इसमें सबसे स्ट्रांग पार्ट है मीनिंगफुल इंसाइट होना एंड जनरेशन ऑफ न्यू आइडिया। डिसएडवांटेज की बात करें तो अनरिलायबिलिटी, बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्टिव परस्पेक्शन की बात हो रही है, तो सब्जेक्टिव परस्पेक्शन जो है वो वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कोई सही बोल रहा है, कोई गलत बोल रहा है। अगर गलत स्टोरी पहले से ही बनती आ रही है, फर्स्ट जनरेशन ने गलत स्टोरी पढ़ी, फिर फर्स्ट ने सेकंड को बताई, फिर थर्ड को बताई, मीन्स ऑरिजिन जब उसका प्रोसेसिंग चल रहा है उस प्रोसेस में ही जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रही है, तो दैट पे यहाँ पे थोड़ा सा रिलायबिलिटी का जो है स्टिग्मा आ जाता है। सब्जेक्टिविटी अगेन पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है। लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी, मतलब हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते फॉर द इसको इन्फर्म नहीं कर सकते फॉर द लार्ज पॉपुलेशन पे, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर लिमिटेड एरिया में की गई वो रिसर्च होती है। लेबर इंटेंसिव मीन्स कि बहुत सारी चीजें होने के बावजूद भी यहाँ पे जो रिसर्च का जो एनालिसिस है वो मैनुअली जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई डेटा नहीं होता, आपके पास जो भी डेटा होता है वो इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स होता है, और उन वर्ड्स को आप ही खुद ही रीशेप कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। कंक्लूजन में यहाँ पे एक मैंने चार्ट प्रोवाइड किया है जिसमें कंपैरिजन है डायमेंशन फिनोमोलॉजी, इतने सारे रिसर्च का ऑन द डायमेंशन ऑफ पर्पस, डिसिप्लिनरी, ओरिजिन, प्राइमरी डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस एंड नैरेटिव। तो दिस इज डन फ्रॉम दी माई साइड। थैंक यू सो मच रजनी मैम, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था आपको। आपने टू कब हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच के बारे में, इन दोनों में अंतर, क्वालिटेटिव रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, स्टेप्स, मेथड, क्वालिटेटिव रिसर्च में हम डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं, मेजर अप्रोच क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आपने विस्तृत रूप से चर्चा किया है। इसके आनंद, बट अतिरिक्त मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज होने के कारण मैं थोड़ा और एग्जाम्पल नहीं कोट कर पाई, क्योंकि इसके बाद हमारा एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है जो मुझे लगता है कि हम सबको वो सुनना चाहिए। यस मैम,
अगर किसी का कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो वो पूछ सकता है अभी। आप चैट चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट आप अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। मुझे आकांक्षा त्रिपाठी का क्वेश्चन दिख रहा है, टाइपोलॉजी एग्जाम्पल, टाइप्स किसके? ऑफ फेनोमेनोलॉजी, टाइप्स ऑफ फेनोमेनोलॉजी रिसर्च में पूछ रही है ये। टाइप्स ऑफ फिनोमोलॉजी रिसर्च का एग्जांपल्स मैं मैम देखो। जो इसेंस और हाँ इंटरप्रिटेशन, हाँ 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 देखो, टाइप्स ऑफ फिनोमोलॉजिकल रिसर्च में दो है, एसेंस है और दूसरा इंटरप्रेटिव फिनोमोलॉजिकल एनालिसिस है। एसेंस में क्या होता है, बेसिकली कोई एक सिचुएशन को कितने लोग एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। सपोज जैसे मैंने आपको बात बताई थी कि किसी के घर में शादी है, ठीक है, तो बेसिकली एसेंस क्या है वहां पे, आप क्या देखोगे? वहां पे खुशी का एनवायरमेंट है, ठीक है, वहां पे सब लोग क्या है, नाच गा रहे हैं, एक न्यू रिलेशनशिप, एक न्यू फैमिली, एक दो फैमिली के बीच में बॉन्डेशन हो रही है, ये बेसिक चीज है। ये अगर कहीं एक एक्स फैमिली में शादी है वहां पे भी ये चीज होगी, वाई फैमिली में शादी है वहां पे भी ये चीज होगी, कोई भी जितनी भी फैमिलीज हैं। अब वेरिएशन क्या होगा, किसका कितना बजट है, बट हम उन सब चीजों में ना जाके जो बेसिक एसेंस ऑफ मैरिज है वो क्या है, खुशी है, न्यू बॉन्डिंग है बिटवीन दी पीपल्स, वो एसेंस है। तो जहाँ पे कॉमनैलिटी की बात करते हैं कि बेसिक सेम चीज क्या है, कॉमन क्या है, वो चीज एसेंस में आ गई। या फिर हम बेसिकली इसकी बात करते हैं कि जैसे आप लोगों ने पेडागॉजी में पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट टू अदर। सपोज बीइंग एज आई एम अ साइंस स्टूडेंट, तो हमारे में होता है इंटीग्रेशन ऑफ साइंस विद अदर सब्जेक्ट, हम इंटीग्रेशन करेंगे कोरिलेशन, सॉरी कोरिलेशन ऑफ साइंस विद अदर सब्जेक्ट, साइंस का मैथ के साथ में, साइंस का हिस्ट्री के साथ में, साइंस का इकोनॉमिक्स के साथ में। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम बेसिक कॉमन बैकग्राउंड देख रहे हैं। साइंस में वैल्यूज भी होते हैं, फॉर्मुलेशन फॉर्मूलाज भी होते हैं, मैथ्स में भी होता है। तो यहाँ पे कॉमन क्या हो गई, फॉर्मूलाज एंड डिजिट्स की हम बात कर रहे हैं। तो एसेंस फिनोमोलॉजी में यही होता है कि क्या चीज कॉमन चल रही है इन बिटवीन द इवेंट्स और लोग उसको किस तरीके से ले रहे हैं। फाइन, नेक्स्ट है इंटरप्रेटिव फिनोमोलॉजी का एनालिसिस। इंटरप्रेटिव फिनोमोलॉजी का एनालिसिस में क्या होता है, क्या डिफरेंसेस हो चल रहे होते हैं पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसमें कि कोई भी स्कूल का पर्टिकुलर प्रिंसिपल जो है वो चेंज हो गया, ठीक है, अब बच्चे खुश हैं, बच्चे कह रहे हैं कि ये स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल था, अच्छा है चले गए। टीचिंग स्टाफ कुछ लोग खुश हैं कि चले गए, बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, मॉर्निंग में टाइमिंग का बड़ा इशू था, बट कुछ लोग दुखी हैं। क्यों? क्योंकि जो डिसिप्लिन है उन्हें लगता है कि अगर डिसिप्लिन प्रिंसिपल चला गया तो सब चीज यहाँ पे फ्रीडम हो जाएगी, कोई बच्चा किसी की बात नहीं मानेगा, कोई फैकल्टी किसी की बात नहीं मानेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेम एक एक फिनोमिना हुआ, एक इंस्टेंट हुआ, एक इंस्टेंट क्या हुआ कि प्रिंसिपल चेंज हो गया। उस प्रिंसिपल चेंज होने पे हर किसी की अलग अलग सोच है, ठीक है, तो यहाँ पे सोच क्या हो रही है, वेरी वेरी कर रही है। तो हम उन सारी सोच को हम ऑब्जर्व करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे और फिर फिनोमिना को डिस्क्राइब करेंगे। ये मैंने बहुत लेमन एग्जाम्पल दिया है, और स्लाइड में मैंने बहुत मतलब बहुत वर्डिंग के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल दिया है, जो हमारे वर्ड्स के साथ जाती है ना उसके अकॉर्डिंग, बट इट्स अ वेरी लेमन कि जिससे हम इजी चीजों को अपने माइंड में रिटेन कर सकें। थैंक यू हेलो, मैम। मेरा मेन मोटिव यही होता है कि मैं आपको लेमन एग्जाम्पल से चीजों के साथ रिलेट करा सकूं, क्योंकि जो साइंटिफिक टर्म्स हैं, जो हमारे जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उनको रिटेन करना माइंड में इजी नहीं होता, बट जो हमारी लाइफ स्टाइल होती है, जो हमारे ऑनगोइंग प्रोसेस, जो हमारी सराउंडिंग्स होती है, वो एग्जाम्पल्स को रिटेन करना माइंड में बहुत ईजी होता है, जो साइकोलॉजी भी बोलता है। इज देयर एनी क्वेश्चन? थैंक यू मैम। आकांक्षा जी आपका क्वेश्चन कवर हो गया लगभग, मुझे लग रहा है। यस सर, थैंक यू मैम, ओके, थैंक यू। और और किसी का कोई आनंद, प्रश्न है तो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि अभी सीवी शर्मा सर का नेक्स्ट लेक्चर होने जा रहा है हमारा फेसबुक हाँ ग्रुप पे, टीचर एजुकेटर के फेसबुक ग्रुप पे। और मैं आप सभी लोगों से भी बोलूंगा कि आप वहां पर जुड़िए और सर को सुनिए। तभी मैंने भी बहुत जल्दी जल्दी वाइंड अप किया, क्योंकि मुझे भी उनको सुनना है, मैं ये अपॉर्चुनिटी स्किप नहीं करना चाहती। यस मैम, यस मैम, ऑब्वियसली सभी को सुनना है मैम। तो मुझे जी लग जी रहा है जी कि ये कोई क्वेरी नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ बोलना है मैम।
नहीं, जो स्लाइड है वो आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, जो भी स्लाइड्स मैंने प्रेजेंट करी हैं सारे रेफरेंसेस। अभी मैंने एक देखा था, इसमें किसी ने बोला कि रेफरेंस वाली जो सजेस्टेड रीडिंग है उसकी स्लाइड एक बार दिखा दीजिए, तो सारा का सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ये सारा का सारा बना रखा है, ये जैसे ही लेक्चर खत्म होगा आपके पास मिल जाएगा, आपको पहुंच जाएगा। आपको आपको स्लाइड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा, या टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़े हैं तो वहां भी चला जाएगा, तो उसकी चिंता आप ना करें। जी, समय को ध्यान में रखते हुए मैं अनामिका को आमंत्रित करता हूँ फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम फॉर डिलीवर सच अ वंडरफुल एंड इफेक्टिव लेक्चर। मैम मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आपका कि अपना अत्यंत बहुमूल्य समय देकर इतने बेहतरीन व इजी वे में लेक्चर को प्रेजेंट किया। आपने क्वालिटेटिव रिसर्च को समझाने के लिए बहुत से बेसिक और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपने हमें बताया। आपने जिस तरीके से इंडक्टिव रिसर्च और डिडक्टिव रिसर्च को चार्ट और साइकिल के माध्यम से बताया, ये शायद ही हमें भूल पाए और ये हमेशा याद करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ आपने क्वालिटेटिव रिसर्च के स्टेप, मेथड, टाइप, एनालिसिस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया। मैम अगर मैं आपके पीपीटी की बात करती हूँ तो आपने बहुत ही बढ़िया सीक्वेंस में व रिच कंटेंट के साथ इसको आपने प्रेजेंट किया। जो जितने भी कंटेंट थे ये सभी हमें नेट के एग्जाम में रिसर्च में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और मैम अगर कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके स्लाइड में थी, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, कि आपने ग्राउंडेड थ्योरी, इंक्वायरी केस स्टडी को, नैरेटिव इंक्वायरी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। पर्सनली मैम मैंने पूरे लेक्चर को फ्रॉम द स्टार्ट एंड एंड तक बहुत ही ध्यान से सुना और इंजॉय भी किया, और लास्ट ऑफ मुझे लगा कि इतना जल्दी खत्म नहीं होना चाहिए। तो सो थैंक यू सो मच मैम फ्रॉम माय बॉटम ऑफ हार्ट। थैंक यू नामिका। नाउ मैं अब धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर सोमू सर का, जिन्होंने टीचर एजुकेटर प्लेटफॉर्म के माध्यम से निस्वार्थ रूप से हम सभी विद्यार्थियों की मदद कर रहे हैं। वह दिन प्रतिदिन स्वयं व टीम के माध्यम से कई एजुकेशनल रिसोर्सेज की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, जिसका निश्चय ही विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी चीफ कोऑर्डिनेटर सचिन शर्मा वर्मा सर का और अपने पूरी टेक्निकल टीम के, जिनकी मेहनत से व सहयोग द्वारा ही इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में मदद मिलती है। एंड द लास्ट ऑफ इट मैं धन्यवाद देना चाहूंगी ऑडियंस का, जिन्होंने अपना समय दिया, प्रोग्राम से जुड़े रहे और वो लेक्चर को बड़ी ही धैर्यता पूर्वक सुने। सो थैंक यू टू ऑल आनंद सर, जागृति मैम एंड टू आवर टीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनामिका जी, थैंक यू जागृति मैम। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, अभी जस्ट 5 बजे से ही स्टार्ट है वो, सीवी शर्मा सर का। तो मैं आप लोगों को लिंक यहाँ पर भी अभी उपलब्ध करा दूंगा 1 मिनट में, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में और हमारे फेसबुक पेज पे, फेसबुक ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। तो आप अभी आप हमसे वहां पर जुड़ सकते हैं। सभी को थैंक यू सो मच, आप इस मीटिंग से लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।